आज हम लोग सेल पढ़ेंगे बेटा, वैद्युत सेल। तो सेल क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि सेल वह युक्ति है जो बेटा किसी भी परिपथ में धारा प्रवाह को बनाए रखती है, अथवा हम लोग यूं कहते हैं कि सेल वह युक्ति है जो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर स्थापित किए रहती है, जिससे कि धारा का प्रवाह होता रहता है। तो सेल जो है हमारा दो प्रकार का है, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। एक है प्राइमरी सेल, एक है द्वितीयक सेल, जिसे सेकेंडरी सेल कहते हैं। प्राथमिक सेल वह सेल है बेटा जो कि सीधे रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, अर्थात उन्हें बार बार चार्ज और डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें हम लोग जो है बार बार जो है चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं, और ये जो है बेटा पहले क्या करते हैं, चार्जिंग के समय ये वैद्युत ऊर्जा को अपने अंदर रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित करते हैं, स्टोर करते हैं, और फिर जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो ये उस स्टोर की गई ऊर्जा को पुनः बेटा हमें वैद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करके देते हैं। तो इस तरह से द्वितीयक सेल को हम लोग परिभाषित करते हैं कि वे सेल जो वैद्युत ऊर्जा को अपने अंदर रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित करते हैं और फिर आवश्यकता पड़ने पर ये हमें रासायनिक ऊर्जा को पुनः वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके देते हैं। तो सेल के विषय में आप लोगों को मैंने बताया भी है कि प्राथमिक सेल की अपेक्षा सेकेंडरी सेल ज़्यादा धारा देते हैं, द्वितीयक सेल ज़्यादा धारा देते हैं। अगर दोनों का EMF या विद्युत वाहक बल समान हो, प्राथमिक सेल का और सेकेंडरी सेल का, तो प्राथमिक सेल की अपेक्षा सेकेंडरी सेल हमें ज़्यादा धारा देते हैं। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। प्राथमिक सेल की अपेक्षा बेटा द्वितीयक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, इसलिए हमें ज़्यादा धारा देता है। ठीक है, तो इस तरह से सेलों का हम लोग जो वर्गीकरण किए हैं वो दो प्रकार का, प्राथमिक सेल और सेकेंडरी सेल। तो हम लोग यहाँ पर सेकेंडरी सेल की बात करेंगे, या फिर प्राथमिक सेल का संयोजन भी कैसे करना है, तो किसी भी प्रकार का सेल है उनका हम लोग संयोजन करें। अब हम लोग आगे बैटरी किसे कहते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा कि सेलों के संयोजन को ही हम लोग बैटरी कहते हैं। अगर हम लोग किसी पॉट में कई सेलों को बेटा एक साथ रख कर उन्हें आपस में संयोजित कर दें तो उसके हम इस भाग को क्या कहेंगे, कहेंगे ये बैटरी। तो इस तरह से हम लोग बैटरी को परिभाषित करते हैं कि कई सेलों के संयोजन को बैटरी। ठीक है, अब सेल में क्या है कि दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इलेक्ट्रोड को हम लोग बेटा एनोड बोलते हैं जो कि धनात्मक होता है, और दूसरे इलेक्ट्रोड या प्लेट को हम लोग जो है ऋणात्मक बोलते हैं, ऋणाग्र बोलते हैं, और इंग्लिश में उसे कैथोड। ठीक है, अब आपको ये भी बताया गया कि एनोड और कैथोड दोनों जो है वो भिन्न भिन्न धातुओं के। इसमें एक पॉट हम लोग लेंगे, उस पॉट में एक वैद्युत अवघट्य जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रोलाइट के रूप में बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है वो डाइल्यूट लेंगे, और या HCl लेंगे, कुछ भी आप इस तरह से ले सकते हैं, तो उसे हम लोग जो है वैद्युत अवघट्य कहते हैं। और जब इस इलेक्ट्रोलाइट में दो विभिन्न धातुओं की छड़ों को या प्लेटों को डुबोते हैं
तो वो जो है इलेक्ट्रोड बन जाता है। अगर बेटा एक ही धातु की दो छड़ें डाल दी जाए तो दोनों समान विभव पर आ जाएंगे, अतः उनमें विभवांतर स्थापित नहीं होगा। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोड बनाने के लिए एक को धन इलेक्ट्रोड बनाना है, एक को ऋण इलेक्ट्रोड बनाना है। तो दोनों हम लोग प्लेटें दो धातु की लेंगे, ठीक है, ताकि उनमें विभवांतर स्थापित हो सके। और जब विभवांतर स्थापित होगा, जिसे हम लोग जो है विद्युत वाहक बल कहेंगे, तब जो है वो विद्युत वाहक बल परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह करा पाएगा, और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं। इस तरह से सेल जो है अपनी ऊर्जा लगाएगा, अपनी विद्युत वाहक बल लगाएगा, जिससे परिपथ में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगे। आगे आपको बताया गया है कि सेल जो है आपके टुल्लू पंप जैसा, जैसे सेल में कोई भी बेटा आपका इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन तो जो आपका तार है, सर्किट है, जो बल्ब आप जला रहे हैं, जो पंखा चला रहे हैं, जो उसमें वाइंडिंग कर रखे हैं कॉपर वायर का, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हर पदार्थ जो है वो परमाणुओं से मिलकर बना है, और परमाणुओं की कक्षाओं में, नाभि में बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और नाभि के चारों तरफ ऑर्बिट यानी कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और जो बाहरी इलेक्ट्रॉन हैं यानी बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभि से दूर होते हैं। नाभि में चूंकि प्रोटॉन है उस पर धन आवेश है, इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश है, इसलिए वो एक आकर्षण बल से बंधे रहते। तो जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं उन पर नाभि का नियंत्रण या नाभि का आकर्षण बल जो है कम हो जाता है। उसके लिए फार्मूला हम लोग फोर्स के लिए पढ़े हैं, 1/4πε0Q1Q2/r2 होता है ना। दो बेटा आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, यदि वो आवेश Q1 और Q2 कूलाम है तो उनके बीच कूलाम साहब ने नियम बताया कि आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा, तो उसका मान होता है 1/4πε0Q1×Q2 उनके बीच की दूरी r का बल। यदि दो आवेश बेटा ये Q1 है और ये Q2 है और इनके बीच की दूरी ये r है, तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल हो जाएगा आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। दोनों समान होंगे बेटा, धन धन होंगे तो दोनों में प्रतिकर्षण लगेगा, और एक धन होगा एक ऋण होगा तो दोनों में आकर्षण बल लगेगा। और बल यह बराबर हम लोग पढ़े 1/4πε0Q1Q2 दूरी ये जो r है बेटा r का स्क्वायर, यानी ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। दूरी दो गुना बढ़ेगी तो दो का वर्ग चौथाई बल कम हो जाएगा, इतना नहीं था। तो जो हमारी परमाणु की संरचना बेटा, परमाणु की ये नाभि, नाभि में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं भैया, ठीक है। तो पहली में दो, दूसरी में आठ, तीसरी में 18, तो मान लीजिए ऐसे है, तो तीसरी में मान लीजिए कि ये एक या दो इलेक्ट्रॉन पहुंचे जो भी है, तो अब आप देखेंगे कि ये दो इलेक्ट्रॉन जो है नाभि से दूर हो गए, इस पर प्रोटॉन पर धन आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है, तो ये जो है काफ़ी दूरी r का मान ये बढ़ गया, और इसके बढ़ने से लगने वाला बल जो है, बल F जो है बेटा वो काफ़ी कम हो जाता है। अतः इस इलेक्ट्रॉन पर इस नाभि का बल काफ़ी कम हो जाता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन जो है फ्री हो जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन अब अपनी कक्षा को छोड़कर इधर उधर धातु के अंदर ही, ये धातु है तो इस धातु के अंदर ऐसे ही तमाम परमाणु बने हैं, ऐसे ही तमाम परमाणुओं की संरचना बनी है,
तो ये निकल कर ये सारे परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन निकल कर धातु के अंदर चलने फिरने लगते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इस पर हम लोग ऐसे एक सेल द्वारा, ये सेल हो गया बेटा, मान लीजिए कि ये आपका सेल हो गया, ये धन सिरा, ये ऋण, इसको हम लोग जो है एनोड बोलेंगे, इसको कैथोड यहाँ से जोड़ दिया और इसको जो है यहाँ से जोड़ दिया। तो अब क्या है, अगर ये 1.5 वोल्ट इस पर लिखा, हम लोगों का जो ड्राई सेल होता है उसका विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है, तो ये 1.5 वोल्ट का विद्युत वाहक बल लगाएगा, विभवांतर एक तरह से लगाएगा, इस तार के दोनों सिरों के बीच में ये विभवांतर लगा दिया 1.5 वोल्ट का, यहाँ से लगा दिया इस सिरे और इस सिरे के बीच में 1.5 वोल्ट का EMF लगा दिया। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो यही मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसकी बाहरी कक्षा के मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसकी बाहरी कक्षा के मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऐसे जितने भी हैं उनकी बाहरी कक्षा के मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये जो है अब ये ऋण सिरा इनको दूर ढकेलेगा, ये इधर की ओर चलने लगेंगे, और ये धन सिरा है, ये धन सिरा अपने ओर जो है खींचने लगेगा, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, इस तरह से धारा बहने लगेगी। तो वही मैं कह रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है बेटा बहने वाले, वो इस धातु के अंदर, ये जो मोटर आप बाइंडिंग करेंगे या कुछ भी बाइंडिंग करेंगे, तो जो तार उसमें हम लोग 1 किलो 2 किलो लगाते हैं, उसी तार के ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, न कि बैटरी के इलेक्ट्रॉन है, न कि सेल के इलेक्ट्रॉन। तो वही बात आपको बता रहे थे कि जैसे आपके टुल्लू में पानी नहीं होता, लेकिन हम लोग बार बार यही कहते हैं कि हमारा टुल्लू बहुत बढ़िया पानी देता है, कहते हैं ना कि टुल्लू हमारा बहुत अच्छा पानी देता है, लेकिन टुल्लू में कहीं पानी है नहीं, पानी तो हमारी बोरिंग में है, पानी तो जमीन के अंदर है, पानी तालाब में है, पानी नदी में है, केवल हम लोग वहाँ पंप लगा कर बेटा, टुल्लू पंप लगा कर या किसी प्रकार का पंप लगा कर उस पानी को हम लोग खींच कर और अपने तक लाते हैं। वैसे हम लोगों के घरों में क्या है, बोरिंग से पानी खींच कर और वो टुल्लू जो है पानी ऊपर जो है टंकी में छत पर चढ़ाता है। तो इस तरह से पानी का स्रोत अलग है, और पानी पर क्या है, पानी के अणुओं पर क्या है कि हमारा टुल्लू जो है एक विद्युत वाहक बल जैसे ये लगा रहा है, वैसे वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहा है, एक बल लगा रहा है, उस बल के कारण उस पानी के अणुओं को खींचकर वो हम तक पहुंचाता है। तो हम लोग कहते हैं कि हमें बढ़िया जल की धारा मिल रही है, यानी जल धारा मिल रही है। ठीक उसी तरह से जैसे टुल्लू में पानी नहीं है, वैसे इस सेल अथवा इस बैटरी में भी कहीं मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, अतः ये इलेक्ट्रॉन का स्रोत नहीं है। जैसे टुल्लू पानी नहीं है, वैसे इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे टुल्लू क्या करता है, पानी के अणुओं पर बेटा एक विद्युत वाहक बल की तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाता है, उसी तरह से सेल भी जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह से एक यहाँ पर विद्युत वाहक बल लगाता है। ये 1.5 वोल्ट है, और इसी को कहते हैं विद्युत वाहक बल, इसी को कहते हैं EMF। तो ये विद्युत वाहक बल लगाता है बल, और इसी बल के कारण ये इलेक्ट्रॉन जो है ऋण सिरे से धन सिरे की ओर भागने लगते हैं। और तो इस तरह से बेटा इस सेल की तुलना उस जो है टुल्लू पंप से की, ठीक है। तो इस तरह से सेल या कोई भी चाहे वो बैटरी हो ऐसे ही काम करती है। और बहुत इम्पोर्टेंट है, करोड़ों बार पूछा गया है कि बैटरी की क्षमता किस में व्यक्त करते हैं, तो आप लोग जानते हैं एम्पियर घंटा या एम्पियर आवर, ठीक है ना। तो बहुत बार पूछा गया, इस तरह से ये देखिए, ये जो माने दो इलेक्ट्रोड है बेटा, ड्राई सेल में हम लोग क्या करते हैं, पेंदी को बेटा ऋण सिरा और ऊपर जो हम लोग जो है जिसमें आपके ब्रास का या कापर की घुंडी लगी रहती है उसे हम लोग जो है धन सिरा कहते हैं, अथवा इसे एनोड कहेंगे, इसे कैथोड। तो इस तरह से हमारा सेल होता है। तो हम होप करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब जो है इन्हीं सेलों के संयोजन से हम लोग जो है बैटरी का निर्माण करेंगे। तो सेलों को कितने प्रकार से हम लोग संयोजित करेंगे, तो सेलों को हम लोग जो है 3 प्रकार से संयोजित करेंगे। एक बेटा हम लोग जो है श्रेणी में सेलों को जोड़ेंगे,
दूसरका समांतर में जोड़ेंगे और तीसरा जो है मिश्रित क्रम। तो इस तरह से हम लोग सेलों का तीन प्रकार से संयोजन कर सकते हैं, सीरीज, समांतर और मिश्रित। तो चलिए आज का क्लास यहीं सस्पेंड करते हैं, फिर आगे मिलते हैं अगले क्लास में। तो हम लोग उसमें देखेंगे कि सेलों को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे, तो कितना कुल वोल्टेज होगा, कुल धारा का मान कितना होगा, कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा, ये सब हम देखेंगे और फिर हम लोग समांतर क्रम। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं समाप्त। ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, धन्यवाद।